अगर आपको भी बनाना अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल, वो भी PC में, तो वेल ये वीडियो आप ही के लिए है। तो अगर आपको भी जानना है कि आप PC में YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हे गाइस, मैं हूँ लक्ष्य। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है लक्ष्य यहाँ YouTube चैनल पे। तो जिस सॉफ्टवेयर से अभी हम थंबनेल बनाने वाले हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिम्प। तो बढ़ते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। उससे पहले आपको जिम्प डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जिम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैंने अपना जिम्प ओपन कर लिया है। तो इसमें आपको थंबनेल बनाने के लिए आपको जाना है फाइल एंड न्यू पर क्लिक करना है, या तो आप कंट्रोल एंड प्रेस करके भी न्यू कर सकते हैं। एंड आपको फिर इसकी विड्थ रखनी है 1280, आपको इसकी विड्थ रख देनी है। एंड आपको हाइट रखनी है इसकी 720, आपको इसकी हाइट रख देनी है। एंड इसको पिक्सल पर सेट कर देना आपको, और फिर आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तुम्हारा ये आ चुका है इधर, मैं से बड़ा कर लेता हूँ। तो इधर हमें अपनी अभी फोटो लगानी होगी, जिसे जो कि हमें थंबनेल में चाहिए। तो उसे करने के लिए आपको कंट्रोल ओ प्रेस करना है, और फिर आप इधर से कोई भी अपनी इमेज ले सकते हैं जो कि आपको थंबनेल में चाहिए। तो इधर आपको इसका प्रीव्यू दिखाई देगा, तो मुझे जेल ले लेनी है। एंड फिर आपको ओपन पर क्लिक कर लेना है, और फिर आपको इधर जाके इसको ओपन कर लेना है अपनी इमेज को। और फिर हमें इसके ये जो वाइट बैकग्राउंड है, इसको हमें सेलेक्ट करके डिलीट करना है, या तो आप इसे वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इधर हमें ये वाला टूल ले लेना है, इसका नाम है सेलेक्ट बाय कलर टूल। फिर आपको वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है इधर, एंड आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है, जिससे कि ये इन्वर्ट हो जाएगा। एंड आपको फिर कंट्रोल सी प्रेस करना है, ये कॉपी हो जाएगा इधर। एंड ये वाली विंडो में जाके आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है, तो ये जहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंड आपको फिर इसे रिसाइज करना है, तो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्केल टूल, जिसे आप शिफ्ट टी प्रेस करके भी ले सकते हैं। एंड फिर आपको इधर इसके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको इधर, इससे आप रिसेट भी कर सकते हैं। आपको स्केल के ऊपर क्लिक करना है, इधर स्केलिंग हो रही है इसकी। तो ये स्केल हो चुका है इधर, तो ये अभी भी सिलेक्ट है। अगर आपको इसको डीसेलेक्ट करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड ए प्रेस करना है। तो ये इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि ये फ्लोटिंग सिलेक्शन पेस्टेड लेयर है। तो पहले हम इधर कुछ ऐड करेंगे, तो फिर ही ये डीसेलेक्ट हो सकता है। तो अभी हमें इधर एक टेक्स्ट ऐड करना है, जो कि हमें ये टेक्स्ट टूल पर देखने को मिलेगा। एंड इसको हमें इधर सेलेक्ट कर लेना है इतना, एंड फिर हमें लिख लेना है जो भी आपको लिखना है टेक्स्ट में। तो ये हो चुका है हमारा इधर। तो अभी हमें इसे ड्रैग टूल की मदद से मूव टूल लेके इसे मूव करना है, और हमें इसे मूव कर लेना है इधर। तो ये वाला टेक्स्ट थोड़ा सा पतला है, तो इसे थोड़ा ठीक करने के लिए
हमें टेक्स्ट टूल में जाना है, फिर से उसके ऊपर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करके इसका फंट हमें चेंज कर देना है एरियल बोल्ड। तो ये चेंज हो चुका है हमारा फंट इससे थोड़ा। और फिर हमें मूव टूल इसे मूव करना है इधर। तो अगर आप इसके ये जो वाइट है, ये सिलेक्शन है इसकी, इसके अंदर वाइट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा इधर। तो हमें इसके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, तभी ये सेलेक्ट होएगा टेक्स्ट इसका। तो अभी हमें इसके नीचे, इन जिम्प के नीचे एक जिम्प की लोगो की फोटो चाहिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वो वाली जिम्प का लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल ओ एंड हमें जिम्प की फोटो सेलेक्ट कर लेनी है इधर। तो ये रहा जिम्प, तो ये हमें ओपन कर लेना है इधर, और फिर आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको सेम सिलेक्शन टूल, मैं से यही बोलता हूँ कि आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो जो इसका आइस जो भी वाइट कलर का है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें बेजियर कर्व टूल लेना है, मतलब पैट्स टूल लेना है हमें। इसे हम डी सेलेक्ट कर लेते हैं पहले एंड इसे जूम करके, तो हमें इसे जूम करना है एंड हमें फिर पैथ टूल ले लेना है। तो जैसा कि देख ही पा रहे हैं पैथ टूल, मैंने गलती से पी प्रेस कर दिया था। तो अभी हम इधर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है इधर, और फिर हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है सिलेक्शन फ्रॉम पैथ। तो ये सिलेक्ट हो चुका है इधर एंड फिर हमें जूम टू लेके इसको, तो ये हो चुका है इधर, और फिर हमें इसे कॉपी करना है कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी, एंड हमारी जे वाली विंडो में जाके कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर लेना है इधर। तो हमें इसे करना होगा मूव टूल की मदद से, हमें इसे मूव करना है। तो जैसे कि इधर देख ही पा रहे हैं कि ये इधर इधर ही हो रहा है, ये इधर नहीं विजिबल ये। तो ये वाला सेलेक्ट है, ये हमें ये वाला सेलेक्ट करना होगा, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इधर। एंड फिर हमें इधर अपना जिम्प का लोगो लगाना है, तो हम ये इधर कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो चुका है पेस्ट, अभी हमें इसे रिसाइज करना है। एंड हमें फिर स्केल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हमारा ये थंबनेल बन के तैयार हो चुका है। तो अगर आपको ये पीछे कोई बैकग्राउंड, मतलब कि कोई कलर लगाना है वाइट को छोड़ के, तो आपको ये बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल करना है एंड आपको डिलीट प्रेस करना है। तो जैसे ही, तो ये मेरा डिलीट ये हो चुका है डिलीट, तो हमें ये कंट्रोल ए करके ये करना है। और आप जैसे कि इधर देख पा रहे हैं ये बिल्कुल भी इधर सिलेक्शन नहीं बनी है। तो इसके लिए हमें सेम कलर सिलेक्शन टूल पर जाके वाइट को सिलेक्ट करना है एंड हमें डिलीट प्रेस करना है, तो जो पिछला बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। और फिर हमें कोई कलर लेना है इधर, तो मैं इधर ले लेता हूँ।
तो मैं इधर पर्पल कलर ले लेता हूँ। ओके, एंड आपको फिर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड व्हाइट बैकग्राउंड को के ऊपर आपको ये कर लेना है। तो वैसे ही आपको तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है, तो हमारा थंबनेल बिल्कुल पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो कर देना लाइक, अगर आप चैनल पे नए चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।